पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की प्रधानमंत्री मोदी ने आज जानकारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसका स्वागत किया और पीएम की जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि पीएम ने दल से ऊपर उठकर उन लोगों को सम्मान दिलाने की कोशिश की जिनका इस देश के प्रति योगदान रहा है। मानता हूं माननीय मोदी जी का, जिनने अपने भारत रत्न देने में इतनी उदारता दिखाई कि वो जनता दल के नेता को भी भारत रत्न देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस के भी पूर्व अध्यक्षों के जो पहले भी उनने महामना मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के तत्कालीन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको भी भारत रत्न दिया था। ये मोदी जी का बड़ा विजन है कि वो ऐसे अभी नरसिम्हा राव जी को जिस प्रकार से उनने भारत रत्न दिया है, हम सब जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी के लेकर के कांग्रेस ने अभी उनके पोते ने जो ट्वीट किया है वो अपने आप में इस बात का उल्लेख है कि नरसिम्हा राव जी का राजनीतिक जीवन तो कांग्रेस के लिए समर्पित पूरा रहे ही है। भारत रत्न की घोषणा को लेकर बीजेपी नेताओं ने खुशी जताई है तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इसे चुनावी हथियार बनाया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज देश को सूचना दी वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय और मन को गदगद करने वाली सूचना थी। किसानों के नेता और किसानों के हक और हित में लगातार संघर्ष करने वाले, उपलब्धि देने वाले चौधरी चरण सिंह जी, जाने माने कृषि वैज्ञानिक और देश को अपने अमूल्य योगदान देने वाले वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी, बहुभाषाविद, देश के प्रधानमंत्री रहे, आर्थिक क्षेत्र में देश को उपलब्धि देने वाले श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी, इन तीनों महानुभावों को भारत रत्न देने की जो सूचना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है, मन को प्रसन्न करने वाली है। भारत रत्न जैसी उपाधि जिसको हम सर्वोच्च नागरिक सम्मान मानते हैं उसका इस्तेमाल भी चुनावी हथियार के रूप में कर रही है। एक साल में 3 लोगों को ये भारत रत्न दिया जा सकता है लेकिन अभी तक 5 लोगों को दे चुकी है और अभी चुनाव आचार संहिता नहीं लगी है। ये किस तरीके से बेजा हमारे एक सर्वोच्च सम्मान का, जिसका पूरा देश सम्मान करता है, उसका किस तरीके से चुनाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी। अभियान के पहले दिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा गुना जिले के आवन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के बीच एक रात गुजारी। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों के साथ केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के कामों की चर्चा की। छात्रों से बातचीत के दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि देश के छात्र भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। इसके बाद सुबह उठकर वीडी शर्मा ने मंदिर की साफ सफाई की और छात्रों के साथ योग अभ्यास किया। इंदौर के नैनोद इलाके में तेंदुआ अब तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। इस बीच सोशल मीडिया पर तेंदुए को लेकर रोज नई नई जानकारी ने प्रशासन की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया में तेंदुए की फोटो और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जो फेक निकल रहे हैं। नैनोद क्षेत्र में तेंदुए के मूवमेंट वाले फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां तेंदुए का कोई भी निशान या दूसरा सबूत नहीं मिला। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई और पाया गया कि तस्वीरें फेक हैं। जिला कलेक्टर के निर्देश पर वन विभाग ने सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो वीडियो जारी करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। तो वहीं कलेक्टर ने कहा कि तेंदुए के संबंध में मिल रही हर सूचना पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जो पुराने हैं, कुछ कहीं दूसरी जगह के हैं या 1-1.5 साल पुराने हैं, वो सर्कुलेट हो रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि उसको फॉरवर्ड करने से पहले कृपया सत्यता की जांच अवश्य कर लें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी उनके द्वारा तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। बैतूल के ताप्ती सरोवर में सैकड़ों मछलियां मरी हुई मिली। मुल्ताई का ताप्ती सरोवर पूरी तरह से प्रदूषित है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है ताप्ती सरोवर। पूजन सामग्री के विसर्जन से भी सरोवर गंदा हुआ है। सरोवर में पानी के ऊपर झाग बना हुआ है। ऐसे में जो मछलियां यहां पर मर गई उन्हें हटाया गया। नगर निगम ने दवाओं का भी छिड़काव किया।